आज थिंकेबल की मदद से हम बनाएंगे एक ऑटो रिस्पोंडर ऐप। अगर ये ऐप आपके फोन में ओपन होगा तो आप किसी को भी SMS ऑटो सेंड कर सकते हैं। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल से ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ऐप पे जाकर क्लिक कर दीजिए क्रिएट न्यू ऐप। अपने नाम का आप अपने ऐप का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ ऑटो रिस्पोंडर। डिजाइनर सेक्शन में इस ऐप की हमें चाहिए होगा एक टेक्स्ट बॉक्स, और बस इतना ही चाहिए होगा। और हम यहाँ पे लिख देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, आई एम बिजी टेक्स्ट लीडर। ये डिफॉल्ट मैसेज है, अगर यूजर टाइप नहीं करता तो यही मैसेज सेंड हो जाएगा। अब ब्लॉक्स में चलते हैं और ब्लॉक्स में जाने के बाद हम क्लिक करते हैं। ब्लॉक्स में जाने से पहले डिजाइनर में हमें एक और चीज चाहिए होगी, वो चाहिए होगा मैसेज कि हमें ऑटो रिसेंड मैसेज करना है। तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट मैसेज तो चाहिए होगा। आप जाएं सोशल पे और वहां से ले लें एक टेक्स्टिंग और दोबारा ब्लॉक्स में आए और लिखें बेन टेक्स्टिंग वन मैसेज डॉट रिसीव। जब मैसेज रिसीव हो तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम नंबर सेट कर देते हैं, सेट सेट टेक्स्टिंग वन डॉट फोन नंबर टू। हमारा फोन नंबर क्या होना चाहिए, जिस नंबर से हमें मैसेज आया है यानी कि गेट नंबर, उसी में कोई वाला नंबर हो जाएगा। एंड और जो कि हमारा सेट टेक्स्टिंग वन डॉट मैसेज टू, हम अपने मैसेज को क्या सेट करवाएंगे, तो मैसेज टेक्स्ट पर थोड़ी देर के लिए क्लिक करिए और यहाँ से लिख लीजिए, ले लीजिए गेट मैसेज टेक्स्ट। जो भी लेबल में हमारा लिखा हुआ है वो भी हम वही हमारा मैसेज टेक्स्ट बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यूजर बोल के भी मैसेज भेज पाए, मतलब लिखने की जरूरत ना पड़े, यूजर सिर्फ बोले सिर्फ, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट। आप मीडिया सेक्शन में जाएं और वहां से ले लें एक टेक्स्ट टू स्पीच। अब तो ब्लॉक सेक्शन में हम जाएंगे। हाँ, ब्लॉक सेक्शन में से जाने से पहले हम ले लेते हैं एक चेक बॉक्स, ताकि हमें पता रहे कि कब हमें मैसेज बुलवाना है और कब हमें मैसेज टाइप करवाना है। तो हम चलते हैं ब्लॉक्स में, अब जानते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे। चलते हैं चेक बॉक्स वन पे। एक ले लेते हैं हम कंट्रोल इफ या देन और यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं इसे। इफ चेक बॉक्स वन इज चेक, अगर हमारा चेक बॉक्स वन जो है वो चेक है तो हम अपने मैसेज को बुलवाएंगे। अगर यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेक बॉक्स वन पे यूजर ने टिक कर रखा है तो इसका मतलब यूजर मैसेज बोलना चाहता है लिखने की बजाय। चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में और टेक्स्ट टू स्पीच में चलते हैं और ले लेते हैं कॉल टेक्स्ट टू स्पीच वन डॉट स्पीक मैसेज और मैसेज टेक्स्ट से ले लेते हैं गेट मैसेज टेक्स्ट। अगर ऐसा नहीं है यानी एक एल्स ले लेते हैं, सेट एल्स लेने की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये नीचे वाला मैसेज ले लेगा जो कि टेक्स्टिंग वन डॉट मैसेज टू। यहाँ पे गेट मैसेज टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट यहाँ पे से ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे हम मैसेज के यहाँ पे। तो मतलब अगर हमारा चेक बॉक्स चेक है तो जो यूजर बोलेगा वो हमारा मैसेज बन जाएगा, अगर चेक बॉक्स चेक नहीं है तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है वही मेरा मैसेज बन जाएगा।
जो कि है हमारा आई एम बिजी टेक्स्ट में लेटर। अगर हमारा चेक बॉक्स पे चेक है तो यूजर बोल पाएगा कि वो क्या मैसेज सेंड करना चाहता है। चलिए इस ऐप को टेस्ट करके देखते हैं और जाते हैं एक्सपोर्ट पे और सेव डॉट जेपीजी टू माई कंप्यूटर। हम इस ऐप को टेस्ट करके देखेंगे। हाँ, इस ऐप को एक्सपोर्ट करने से पहले हमें जाना होगा टेक्स्टिंग पे और यहाँ से हमें लेना होगा कॉल टेक्स्टिंग वन डॉट सेंड मैसेज, तभी ये मैसेज भेजेगा वरना मैसेज नहीं भेजेगा। तो इसे लेना ही इसे लीजिएगा।